रिएक्शन आपको करना है दैट इज द कॉलबेज रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फिनोल जो है उसको अपन NaOH ना रिएक्ट कराना है कॉलबेज रिएक्शन के विच, ठीक है। तो H ते OH, H ते OH बन जाएगा वाटर, वाटर बाहर, ठीक है। ते अपने को लेके बचेगा O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। दिस इज नोन एज सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। हुन नेक्स्ट स्टेप की है कि सोडियम फिनोक्साइड नु कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल अपन रिएक्ट कराना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नाल अपन रिएक्ट कराना है, तो किवें होएगी ये रिएक्शन वो देख लो। जो यह नेगेटिव चार्ज है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो इमीजिएटली जो ये कार्बन है इसने अटैक कर देना है CO2 वाले कार्बन, ठीक है। सो की बनया देखो, ध्यान ना देखना है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होगी पे है इधर ऑक्सीजन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सीगा, इथे लोन रेजोनेंस के नाल की होया ऑक्सीजन दे जो लोन पे रहे कार्बन दे शिफ्ट हो गई। सो कार्बन दे ऑक्सीजन दे सिंगल बॉन्ड दी जगह ते डबल बॉन्ड बन गया। जो आ डबल बॉन्ड सी ए चला गया इस कार्बन दे ऊपर, ऑर्थो वाली कार्बन दे ऊपर। ते ऑर्थो वाली कार्बन ने इमीडिएटली बिकॉज़ इस ते नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसने इमीडिएटली इस कार्बन दे ऊपर अटैक कर देना, ठीक है। जदों ये ऑर्थो वाली कार्बन इस कार्बन दे ऊपर अटैक करेगी तो आ डबल बॉन्ड चला जाएगा अगे ऑक्सीजन कोले, ठीक है। सो अपने के लिए की बन जाएगा, ए सी डबल बॉन्ड हो पे है, इथे डबल बॉन्ड होती जगह पे रहेगा सिंगल बॉन्ड। सो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो ये सोडियम जो पहला इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक सी, यह CO2 वाले ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सो फाइनली आप की करेंगे डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, इधर सोडियम तो इधर क्लोरीन, NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ते चलो एक स्टेप जो है इथे ही मैं शॉर्टकट करा देना, ठीक है। इधर एक हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन बाहर निकाल देने अपना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड अगे चला जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस के नाल। तो की होया इथे कार्बन कार्बन के इथे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। आ डबल बॉन्ड तो सिंगल रह गया, ओदे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव नाल ये एच लग जाएगा, सो फिनोल वापस बन जाएगा, ठीक है। इधर की होया, इधर सी डबल बॉन्ड ओ है ते ओ नेगेटिव, ठीक है। Na ते Cl, NaCl बाहर निकल गया, दिस इज ओ नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव, सो इथे बन गया COOH, ठीक है। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सो ये अपने को ले कॉलबेज रिएक्शन है। फिनोल लेना सब तो पहला, फिनोल नु आपा रिएक्ट करावांगे NaOH नाल, एच ते OH मिलके बन जाएगा वाटर, वाटर बाहर, ते अपने को ले बन गया ओ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनोक्साइड की होया ऑक्सीजन दी लोन पेयर रेजोनेंस थ्रू इधर शिफ्ट होगी, आ डबल बॉन्ड ऑर्थो कार्बन ते चला गया, ऑर्थो कार्बन ने इमीडिएटली CO2 दे उत्ते अटैक कर देना है। जदों कार्बन दे उत्ते अटैक होएगा तो डबल बॉन्ड अगे ऑक्सीजन दे उपर चला जाएगा, ठीक है। सो इथे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, आ जो डबल बॉन्ड सी सिंगल रह गया, ते इथे कार्बन ने ऑर्थो वाली कार्बन ने CO2 दे उत्ते अटैक करता। CO2 ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਈਲਿਊਟ HCl ਪਾਇਆ, NaCl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ COO ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ COOH ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਆ ਲੋਨ ਜੋ ਬੌਂਡ ਸੀ ਇਧਰ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਨੋਲ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਨੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ COOH ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਮਰ ਟਾਈਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਮਰ टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के विच क्या होता है, फिनोल अपन ने लेना है, NaOH नाल ही रिएक्ट कराना है सब तो पहला, ठीक है। H ते OH मिलके वाटर बाहर निकल जाएगा, फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम ही है, दिस इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। इसनों अपन रिएक्ट कराना है क्लोरोफॉर्म नाल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्लोरोफॉर्म नाल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH नाल, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म ते NaOH जो है वो आपस दे विच रिएक्ट करके की बनाते हैं, पहला ये चीज आपां नूं पता होनी चाहिए है। इथे मैं डबल बॉन्ड सुना लेना। अच्छा देखो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH जब आपां ऐड करांगे तां क्लोरोफॉर्म ते NaOH आपस च मिलके की बनाएंगे, देखो OH नेगेटिव ते इधरों H पॉजिटिव,
OH नेगेटिव थे, H पॉजिटिव मिलके बन गया वाटर, वाटर बाहर निकल गया। ये जो बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, ठीक है, कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया, की बने अपने को ले दिस इज CCl3, कार्बन को ले लोन पेयर आ गई, लोन पेयर के नाल आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इधर सोडियम पॉजिटिव हले भी सोल्यूशन के बीच ही है, ठीक है। Na पॉजिटिव की करेगा तो Cl नेगेटिव कट के ले जाएगा, सो Na एंड Cl इतों अपने को ले NaCl बाहर निकल गया, मगर की बचा कार्बनल फाइनली टू क्लोरीन एटम्स रह गए, ठीक है। तो कार्बन देखो इतने एक लोन पेयर पई है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज भी पे, पर जो इतो Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा तब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पहला नेगेटिव सी हूं पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव का न्यूट्रल हो गया, सो चार्ज का खत्म हो गया, बट जो लोन पेयर है वो कार्बन को ही पई है, स्टिल अपने को ले कार्बन के को ले दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज डाई क्लोरो कार्बीन। सो वन मार्क्स के विच कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म इन द राइमर-टाइमर रिएक्शन, सो दिस इज द इंटरमीडिएट डाई क्लोरो कार्बीन, ठीक है। सो अगर आप देखिए कि इन दोनों जो आप रिएक्ट कराइए तो अपने को ले जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कहना बनता है CCl2, ठीक है, CCl2 कार्बीन जो है डाई क्लोरो कार्बीन, कार्बन को ले लोन पेयर भी है, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स है, तो यह जो मोलिक्यूल है दिस इज द इंटरमीडिएट जो कि इन दोनों को रिएक्ट करा के बनता है। सो इतने रिएक्शन किवें होएगी, बिल्कुल उस तरीके नाल जिवें कोलबियस दे विच कीती सी आपां, जो ऑक्सीजन दी लोन पेयर है इधर शिफ्ट करेंगे, ये डबल बॉन्ड ऑर्थो कार्बन ते चली जाएगी, ऑर्थो कार्बन इमीडिएटली कार्बन दे अटैक कर देना, ठीक है। तां इस केस दे विच सो दिस इज द स्टेप, ऑक्सीजन ते कार्बन च डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन ते कार्बन दे विच अपने कोल डबल बॉन्ड बन गया, इथे जो डबल बॉन्ड सी वो सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑर्थो कार्बन जो है दिस वन इस कार्बन ने इस CCl2 वाली कार्बन ते अटैक किया, ठीक है, CCl2 वाली कार्बन ते अटैक किया, ता ये जो कार्बन है इसका एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो तो बन गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, लोन पेयर तो ऑलरेडी सी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो है इधरों कार्बन ने आके बना लिया, तो इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज वापस फिर आ गया, मतलब उस कार्बन में इलेक्ट्रॉन फिर मिल गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिल गए तो नेगेटिव चार्ज फिर आ गया। सो सोडियम जो है वह तो घूमता फिरता है, जिथे नेगेटिव चार्ज होगा उत्थे सोडियम अटैच हो जाएगा, ठीक है, एट द एंड नहीं हले एंड नहीं होया, हल्दा बहुत पई है। सो इत्थे की है कि जो यह लोन कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यह नाल वाली हाइड्रोजन बाहर कढ़ लेगी, ठीक है, कोलबेस दे विच भी आपां स्टेप कीता सी, हाइड्रोजन बाहर कढ़ी सी, जो एच बाहर कढ़ी सी ए बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया सी, ए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे उत्ते चला गया सी, है ना। सो इस केस दे विच भी है, बट इस केस दे विच की हो रहा है कि जो हाइड्रोजन बाहर कढ़ रहा है, कौन बाहर कढ़ रहा है, हाइड्रोजन एवली कार्बन बाहर कढ़ रही है, ठीक है, सी नेगेटिव वाले, तो यह नेगेटिव जो है यह इतों हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगी तो अपने को सी एच बन जाएगा, ठीक है, सी एच बन गया। अच्छा इधर की होया, इतने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो डबल बन गया, जो डबल बॉन्ड हो सी हो रहा गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के उत्ते वापस फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज आ गया सोडियम घूम घुमा के फिर ऑक्सीजन के नाल अटैच हो जाएगा। सो थोड़ी जी रेगी रिएक्शन, NaOH ऐड करो, ठीक है, टू मोल्स ऑफ NaOH ऐड करो, इधर टू क्लोरीन है, ठीक है, टू क्लोरीन है, आप NaOH ऐड किया, NaOH NaOH तो इधरों NaCl बाहर निकल जाएगा, इधरों भी NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो जो आप टू मोल्स ऑफ NaOH ऐड करांगे तो टू मोल्स ऑफ NaOH जो है टू मोल्स ऑफ NaCl जो है बाहर निकल जाएंगे, रिंग पूरी बन गई, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव बन गया, इतने सी एच, सो देखो NaCl बाहर निकल गया, ठीक है, जो कार्बन है कार्बन नाल दो OH ग्रुप्स लग जाएंगे, क्लोरीन लगे हुए सी, क्लोरीन की जगह लगे हुए दो OH, तो अपन पता है कि सेम कार्बन जो है किसी भी एक कार्बन के ऊपर दो या दो तो ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, सो इतो की होगा इधरों एच तो इधरों OH, एच तो OH इमीजिएटली की बाहर निकल जाएगा वाटर, तो ये लो ये अपने के लिए बन गया ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, दिस इज सी एच, इतने देखो इधरों एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक होया, इधरों कार्बन का भी ब्रेक हो गया, है ना, कार्बन का ब्रेक हो गया एक ऑक्सीजन का ब्रेक हो गया, दोनों वैलेंसी कंप्लीट करने लिए आपस से डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट बन गया है, बस हम थोड़ा जा काम की पेंडिंग है कि आपने डाइल्यूट HCl पाना है, जो आप डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो Na एंड Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा, ते अपने को ले थे बेंजीन दे ऊपर वापस OH आ जाएगा, अल्टीमेटली पहुंचना तो फिनोल ते है ना, सो इस दे नाल की अटैच हो गया C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, दिस इज द ग्रुप, सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज सैलिसैल्डिहाइड,
दिस इज नोन एज सैलिसैल्डिहाइड ठीक है सो सैलिसैल्डिहाइड जो है इतने अपने को बनता है इस रिएक्शन दे विच रंगर डायमंड दे विच सो सारे स्टेप्स जो है ध्यान नाल देख लियो ठीक है रिपीट कर लियो वीडियो एक दो बारी ठीक है हो सकता है कि एक स्टेप जो है फर्स्ट टाइम च ना क्लियर होवे दो तीन बारी वीडियो रिपीट करो तुसी ठीक है ते फिर दो तीन बारी लिखनी भी पई ठीक है जो तुसी इसनु लिखोगे दो तीन बारी कापी ते लिखोगे फिर यह याद होगी इनी इजीली यह याद नहीं होगी रिएक्शन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है तुसी अपने कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स जो है वो चेक कर सकते हो ठीक है हर एक एग्जाम दे विच ऑलमोस्ट ही आई हुई है ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक सो ये तो एक बड़ी सिंपल जी रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक डस्ट आपने रिएक्शन करानी है ठीक है दिस इज द जिंक मॉलिक्यूल जिंक एंड ऑक्सीजन सीधा है जिंक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड बन के इतने अपने पहले एच रह जाएगी कभी ठीक है ऑक्सीजन जिंक लग गया जेडनो बाहर ते हाइड्रोजन रहेगी हाइड्रोजन तो आप लिखी ना लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन होगी ठीक है सो दिस इज द बेंजीन तो डायरेक्टली अपने को बेंजीन जो है वो बन जाता है ठीक है होर रिएक्शन इसके विच नहीं है ठीक है सो चलो एक दो सिंपल दी रिएक्शन हो रहा है उन्होंने मैं तुम्हें पिक भेजागा ठीक है वो तुम लर्न कर लेनी है ठीक है वो ज्यादा कुछ उन्हें है नहीं करवाने वाला तो तुम सिंपली लर्न कर लो ठीक है।